देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 कैसे होगा तो हम लिमिट x फ्रॉम टू जीरो ax प्लस x cos x अपॉन b sin x, ठीक है। आप लोग इस पे देखिए डिनोमिनेटर में आपको x कॉमन दिख रहा है, तो आप लोग x को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। लिमिट x फ्रॉम टू जीरो x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस cos x अपॉन में क्या रह जाएगा, b sin x। अब आपको x जो आपका दे रखा है डिनोमिनेटर में, इसको हम लोग कहां लिखेंगे, नीचे डिवाइड में भी लिख सकते हैं। देखिए लिमिट x फ्रॉम टू जीरो a प्लस cos x अपॉन क्या हो जाएगा, b sin x अपॉन क्या हो जाएगा, x, ठीक। अब a प्लस cos x, a प्लस cos x ऐसे दिखा देते थे, और ये जो आपकी लिमिट है इसको हम लोग यहां पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x फ्रॉम टू जीरो और b जो है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए, 1 बाई b क्या हो जाएगा, sin x अपॉन x। तो आपको पता है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। जितना आपका अगर डिनोमिनेटर में दे रखा है एंगल में होते हैं, अगर न्यूमरेटर में दे रखा है तो जितना यहाँ होगा उतने अगर न्यूमरेटर में है तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के। ये आइडेंटिटी होती है, 1 अपॉन b इनटू क्या हो जाएगा, a प्लस cos x अपॉन क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही हो जाएगा। और लिमिट x फ्रॉम टू 0 अगर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं तो लिमिट x फ्रॉम टू 0 में अगर x की जगह यहाँ 0 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन b a प्लस cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। तो क्या आ जाएगा, a प्लस 1 अपॉन b, ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, लिमिट x फ्रॉम टू 0 x sec x, x sec x। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, sec x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos x, ठीक है। लिमिट x फ्रॉम टू 0 ऐसे रखिए, क्या लिखेंगे, x अपॉन cos x, ठीक है। लिमिट x फ्रॉम टू 0 और x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिवाइड में भी लिख सकते हैं, क्या होगा, cos x अपॉन x। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लिमिट x फ्रॉम टू 0। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। अभी अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, प्रीवियस क्वेश्चन में, तो क्या आंसर इसका आ जाएगा, 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, आप क्वेश्चन नंबर आप देखिए 20 वाला क्वेश्चन अच्छे से समझिए बेटा, ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया है लिमिट x फ्रॉम टू 0 cos x माइनस cot x, cos x माइनस cot x, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, देखिए ध्यान से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, लिमिट x फ्रॉम टू 0 cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin x माइनस cot x को क्या लिख सकते हो, cos x अपॉन sin x, ठीक। अब एलसीएम लेंगे तो sin x का क्या मिलेगा, sin x। तो लिमिट x फ्रॉम टू 0 sin x अपॉन क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos x ऊपर आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, cos x का वो फार्मूला यूज करेंगे जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। तो एक फार्मूला होता है cos x का, आपको याद होगा हाफ एंगल के फार्मूले की हम लोग बात करेंगे, वैसे तो फुल एंगल में cos 2x के कई फार्मूले होते थे, एक फार्मूला उसमें से ये भी होता था 1 - 2 sin x2x। ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके होंगे, cos 2x = 1 - 2 sin x2x। अब अगर हम लोग, ये तो फुल एंगल में फार्मूला था, अगर हम लोग हाफ एंगल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x = 1 - 2 sin x2x, एंगल में क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब यहाँ x था तो यहाँ क्या हो जाएगा, x by 2। ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 minus 2 sin square x by 2। और आप लोग sin 2x का फार्मूला भी अच्छे से जानते होंगे, क्या होता था, 2 sin x cos x, तो sin x के फार्मूले में क्या हो जाएगा, हाफ एंगल में बदल जाएगा तो 2 sin x by 2 और क्या हो जाएगा, cos x by 2। वैल्यू पुट कर दो, 2 sin x by 2 cos x by 2, 1 से 1 कैंसिल, लिमिट x फ्रॉम टू 0, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, 2 sin square x by 2
और ये क्या हो जाएगा 2 sin x by 2 क्या हो जाएगा cos x by 2 2 से 2 कैंसिल कर दो 1 sin x by 2 1 sin x by 2 कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा लिमिट x फ्रॉम 2 0 sin x by 2 upon cos x by 2 ओके sin x by 2 upon cos x by 2 क्या लिख सकते हो 10 x by 2 ठीक है अभी x की जगह 0 डालोगे क्या हो जाएगा 10 0 और 10 0 डिग्री वैल्यू क्या होती है 0 होती है सबको पता है 10 0 वैल्यू 0 होती है तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ठीक है